गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. ओके, नाउ टुडे आई विल टीच यू अबाउट मोमेंटम. ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे और इसका यूज जो है किसमें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में. तो इसको काइंडली ठीक से समझ लीजिए, चूंकि अगर मोमेंटम क्लियर नहीं होगा तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आप समझ नहीं पाइएगा. क्लियर? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम लोग मोमेंटम जान लेंगे, मोमेंटम क्या है, उसका इम्पैक्ट बॉडी पे कैसा पड़ता है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिंपली बेसिकली ये जान लेंगे व्हाट इज मोमेंटम. एक बार मैं बोर्ड छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियरली दिख जाए, ताकि आप नोट डाउन कर सकें. ओके, तो देखिए, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, उस बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. दैट इज मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और पी इक्वल टू एम इंटू बी. यहाँ पे पी क्या है, वेयर पी इज मोमेंटम, एम इज मास एंड बी इज वेलोसिटी. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए सिंपली मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. तो चूंकि मोमेंटम पी का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या किया ना, डिराइव कर लिए इसका यूनिट को. तो मास का है केजी और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड. ओके, और ये क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो बेसिक आइडिया आपको मोमेंटम का मिल गया, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. क्लियर? अब इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर किसी बॉडी का जो मोमेंटम है वो उस बॉडी के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का अगर मास इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसका मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा. उसी तरह से बॉडी का वेलोसिटी भी अगर इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा. ओके, अब देखेंगे हम लोग मोमेंटम इज डिपेंड्स ऑन फर्स्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी जो है उसका मास और वेलोसिटी दोनों पे मोमेंटम डिपेंड करेगा. दैट मीन्स दैट इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एम एंड पी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बी. यानी कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अब कंडीशंस ये है कि पहला क्या दिया है, पी इज प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों का. यानी कि अगर मास किसी बॉडी का ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. सेकेंड, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा. वाई? बिकॉज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी. दैट मीन्स इफ मास ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम देन मोमेंटम इज ऑल्सो मैक्सिमम, इफ मास ऑफ बॉडी इज मिनिमम देन मोमेंटम इज ऑल्सो मिनिमम. On the same way, if the velocity of any body is minimum, then its momentum is also minimum. And if the velocity of the body is maximum, then its momentum is also maximum. तो यहाँ से ये पता चला, आप एक चीज़ जान लीजिए, किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज कैसे होगा. अब किसी बॉडी का जो मास है, जो भी हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg या फिर 5 g, 10 g, 20 g, it's not a matter. But mass तो change उसका नहीं करेगा, because mass is a constant quantity. देन हाउ कैन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंज्ड, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, किस पे चेंज करेगा, मोमेंटम चेंज बाय चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी.
किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो उसके वेलोसिटी को हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उस बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा। चूंकि एक कोई बॉडी लिए हैं, मान लीजिए डस्टर है ना, ये डस्टर है, मानेंगे ये डस्टर है, ओके। तो इस डस्टर का मास तो हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, बट इसका वेलोसिटी को हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं, उसको जोर से फेंके या धीरे से फेंके, उस पर डिपेंड करेगा इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो इसका चेंज हो सकता है ना, तो वेलोसिटी को चेंज करके हम लोग किसी बॉडी का मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? जीरो। व्हाई? बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम वी। तो जब वी अगर इफ वी इक्वल टू जीरो देन पी बिकम्स जीरो। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उसका मास कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके? तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि बॉडी का जो मोमेंटम जो चेंज करता है वो उसके मास पे डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि मास क्या है? किसी बॉडी का कांस्टेंट है। तो डिपेंडेंट किस पे है? उस बॉडी के वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा, अगर वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे तो मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट मोड में होगा, रेस्ट में होगा तो क्या होगा? उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। यानी कि बॉडी कितना ही बल्कि क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी बॉडी जो है, ठीक है, उसका जो मोमेंटम चेंज करता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। दैट मीन्स मोमेंटम इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में कुछ ना कुछ टाइम तो सियोरली लगेगा। अब आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है मोमेंटम का। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जो कैच लेते हैं हम लोग, तो कैच लेते समय क्या करते हैं? हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। जब भी बॉल हाथ में आता है तो बॉल को कलेक्ट करते हैं और हाथ पीछे मूव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वहां भी तो हम बॉल को कलेक्ट करके स्टॉप कर सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि हम लोग को जो इंजरी ज्यादा होगा, चोट ज्यादा लगेगा और बॉल हो सकता है हाथ से गिर भी जाए। क्योंकि हम धीरे धीरे हाथ को पीछे कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल बढ़ा रहे हैं, तो टाइम इंटरवल जो बढ़ाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो तो क्या होगा? इंजरी होगा और उस केस में आपको एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी चीज़ में। कोई बॉडी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है और एकाएक उसका मोमेंटम जीरो हो जाए, या फिर कोई बॉडी का मोमेंटम जीरो है एकाएक बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाए, ये आइडियल कंडीशंस नहीं है। मोमेंटम को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं। कोई बहुत फास्ट मूविंग बॉडी है तो एकाएक उसका मोमेंटम अगर जीरो करेंगे तो इंजरी फिक्स है। जैसे बॉल पूरा फास्ट मूविंग बॉल आ रहा है, उसको एकाएक हम कैच लेते हैं हाथ में तो हाथ में ज़्यादा चोट लगता है, क्योंकि उस समय उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। लेकिन जब टाइम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मोमेंटम धीरे धीरे उसका डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी उसका घट रहा है। तो उस केस में इंजरी होने का चांसेस नहीं रहेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं? हाथ को पीछे की ओर धीरे धीरे खींचते हैं, डायरेक्ट बॉल को कलेक्ट नहीं करते हैं। और भी एग्जांपल्स है, हाई जंप करने के टाइम में, लॉन्ग जंप करने के टाइम में, जहाँ पे हम लोग हाई जंप या लॉन्ग जंप करते हैं, इसका बहुत सारा, जैसे कि कोई एथलीट है वो लोग भी हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं। किसी को आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, पुलिस में जाना है, वहाँ भी हाई जंप और लॉन्ग जंप होता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? या तो मिट्टी को हल्का कर दिया जाता है प्लाइंग करके, या फिर वहाँ पे हीप ऑफ सैंड्स, पूरा ऊपर में बालू, पूरा क्या करते हैं, बालू का ढेर लगा देते हैं। और भी उपाय क्या है? गद्दा जो होता है कसंस, उसको हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हार्ड सरफेस पे कोई फास्ट मूविंग बॉडी एकाएक नीचे आएगा तो क्या होगा? तुरंत उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा और उस केस में उसका हाथ पर में चोट लग सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे सॉफ्ट सरफेस है लाइक कशन और लाइक सैंड, हिप ऑफ सैंड, तो क्या होगा? उसका बॉडी का मोमेंटम एकाएक जीरो नहीं होगा, धीरे धीरे जीरो होगा, तो हम लोग इंजर्ड नहीं होंगे। इसलिए आप देखते होंगे कोई फास्ट मूविंग कार या फास्ट मूविंग बस या कोई भी व्हीकल जो फास्ट मूविंग है, उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो इंजरी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एकाएक मोमेंटम हाई मोमेंटम से लो मोमेंटम में आता है। और आपको पहले ही बताया कि अगर कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा चेंज हो मोमेंटम का, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए, तो उस केसेस में इंजरी बहुत मैक्सिमम होता है, एक्सीडेंट होता है। ओके? तो एक्सीडेंट्स जो होता है रोड साइड में,
कार से, बाइक से, बस से, और अगर बहुत फास्ट आ रहा है तो बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम था और एकाएक मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया. तो उस तरह से अगर चेंज होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा. तो ये तो क्लियर हो गया आप लोग का कि मोमेंटम क्या है. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी, एंड चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो डिपेंड ऑन चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन टाइम. अब क्या है, अगर लॉन्ग टाइम ले चेंज होने में, डिक्रीज करने में, तो यानी कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, वहां पे मोमेंटम भी धीरे धीरे चेंज करेगा. लेकिन एकाएक टाइम पीरियड मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम पीरियड अगर बहुत कम हो, मतलब बहुत कम टाइम में मोमेंटम या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा घट जाए, तो वहां पे क्या होगा, चेंज मोमेंटम तुरंत हुआ एटेंडम, तो मोमेंटम का इफेक्ट जो है चेंज का तुरंत दिखेगा. लेकिन अगर ज्यादा टाइम में मोमेंटम चेंज हो तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, उतना इंपैक्ट उसका नहीं पड़ेगा. तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो स्लोली चेंज करना चाहिए, टाइम रेट को बढ़ा के रखना चाहिए, ताकि उसका कोई बैड इंपैक्ट हम पे ना पड़े. और मोमेंटम हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी करते हैं, वेलोसिटी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो मोमेंटम पे ही डिपेंड करता है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है, थोड़ा मैं आपको बता दूं ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट आए. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम के थ्योरी पे ही एक्सप्लेन किया गया है, और मोमेंटम और फोर्स के थ्योरी पे, फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन बताया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में. ओके, और उसी से हम लोग क्या किए हैं, फोर्स का जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. तो सब कुछ अभी मैं नहीं बताऊंगा, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. बस इतना जानिए, मोमेंटम आप समझ गए तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा. तो आज मैंने आपको जो टॉपिक बताया, इस टॉपिक में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे YouTube चैनल के एड्यू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हम बूस्टअप होते हैं, हमें और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है और काम करने का कैपेसिटी हमारा और इंक्रीज करता है. तो आप जितना ज़्यादा हमें लाइक देंगे, शेयर देंगे, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि इन फ्यूचर्स मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका लिंक आपको डायरेक्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे. ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे. ओके.